रहिका में रविवार की रात से गायब युवक का शव सोमवार को बरामद हुआ। घटना रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता गांव के कब्रिस्तान के पास की है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सनमनी गांव निवासी 30 वर्षीय प्रयाग मुखिया के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने शव को देख परिजनों को सूचना दिया। परिजन घटना स्थल से शव को घर ले आए और मृतक का दाह संस्कार कर दिया। वहीं इस घटना को लेकर पूरे गांव में जहां मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं परिजनों का रो रो कर हार बुरा है। मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। आसपास के लोगों की माने तो मुर्गी चोरी के आरोप में युवक को पकड़ कब्रगाह के सामने कुछ लोग बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दिया। युवक साइकिल से भोज खाकर घर लौट रहा था, तभी रात में वारदात को अंजाम दिया गया। लोगों ने घटना की सूचना रहिका थाना को दिया, लेकिन सूचना के बाद भी रहिका थाना घटना स्थल पर देर से पहुंची। वहीं रहिका थाना अध्यक्ष ने इस घटना के बारे में बताया कि देर से सूचना मिली, मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। वहीं सूचना मिलते ही बीएसपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल आज गांव पहुंचकर परिजनों से मिलकर और सांत्वना दिए और आर्थिक सहायता भी प्रदान किए। विधायक ने तत्काल एसपी से मोबाइल से बात कर मामले की गहनता से जांच की बात कही। उन्होंने हत्या में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। बहरहाल एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के निर्देश पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उसको मारपीट करके मार दिया, इसको तो ढंग से जांच करवा दीजिए सर, जो दोषी। जी जी ठीक है सर, ठीक। ने एसपी साहब से बात की है, एसपी साहब इस पर संज्ञान लिए हैं। इसको जहां तक हो, जो दोषी हो उसको नहीं बख्शा जाए। वहाँ गए, जांच पड़ताल किए, लोग तो दिया है। मुखिया भी सोनमनी के मुखिया जी भी थे, फिर एक पंचायत समिति भी थे। वहीं हम बोले कि जो तुम लोगों को अगर कुछ शक संदेह है तो आप जो है से दे सकते हैं, पुलिस के सूचना करना चाहिए था। हम लोग आते, सारा विधि सम्मत जो होता कार्रवाई। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।